नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। रिश्तों का खून, घर जमाई नहीं बनने पर जीजा को जिंदा जला दिया। लोकसभा चुनाव वेस्ट यूपी में प्रियंका और मायावती ने चढ़ाया सियासी पारा। IT रेड पर PM मोदी बोले, वो कहते हैं चौकीदार चोर है लेकिन वोट कहां से निकले। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के निहाल विहार में घर जमाई नहीं बनने पर युवक ने अपने जीजा को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। 10 दिन तक 35 वर्षीय गोविंद राम ने अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद 2 अप्रैल को दम तोड़ दिया। गोविंद राम अध्यापक नगर में रहता था। गोविंद के पिता महावीर ने बताया कि 8 साल पहले बेटे की शादी प्रेम नगर निवासी रेनू से हुई थी। दोनों के 6 और 3 साल के बेटे थे। बताया गया कि रेनू के मायके वाले चाहते थे कि गोविंद घर जमाई बनकर रहे, लेकिन वह इसका विरोध करता था। इस पर उसका और उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया। वह ससुराल में अपनी बीवी और बच्चों को लेने गया था। इसी दौरान ससुराल वालों ने उसकी पिटाई कर दी, फिर रिक्शा पर लाद कर उसे ले गए और नाले में फेंक दिया। किसी तरह वह वहाँ से निकल कर घर गया। मंगलवार को प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली में यह बात सही साबित हुई। दोनों सियासी दिग्गजों का अप्रैल की तपती धूप में वेस्ट यूपी की जनता ने शानदार इस्तेमाल किया। प्रियंका गांधी ने वेस्ट यूपी के अपने पहले रोड शो में मोदी के समर्थ में नारे लगा रहे लोगों पर फूल की माला फेंक कर दिल जीतने की कोशिश की। बिजनौर, नगीना और सहारनपुर लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुलाबी रंग की सूती साड़ी में जब रोड शो के लिए निकली तो लोगों ने जमकर फूल बरसाए। लोग भी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। हेलीपैड के पास स्थित कॉलोनी की महिलाओं और बच्चों से प्रियंका गांधी ने सुरक्षा घेरा तोड़ा और उनसे मिलने चली गई। महाराष्ट्र के लातूर में PM नरेंद्र मोदी और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने करीब 28 महीने बाद मंगलवार को एक मंच झांसा किया। इस दौरान मोदी ने मध्य प्रदेश में आकर के छापे पर कांग्रेस पर निशाना साधते आरोप लगाया कि प्रधान विपक्षी दल का भ्रष्टाचार चरित्र है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है लेकिन देखिए वोट कहां से मिले हैं। चौकीदार चोर है लेकिन देखिए नोट कहां से मिले हैं। चौकीदार से कौन डरता है? अगर इतना पैसा बरामद हो रहा है तो उनका चौकीदार को गाली देना स्वाभाविक है। PM मोदी ने कहा, आपने देखा होगा कल परसों कैसे कांग्रेस के दरबारियों के घेरे से बक्सों में नोट निकले हैं। नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।